तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, फिर मैं जिस तरह हिंदी ओल्ड सॉन्ग में न्यू स्टाइल के स्टेटस को देखा, इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत सिंपल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। आप भी इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो तो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है, खराब लगता है, कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं फोटो जो यूज करने वाला हूँ सभी फ़ोटो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ वो सभी चीज़ें मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइड मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेना, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाना, और जो सॉन्ग बीट मार्क और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है, ये सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना। तो सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद देखो कुछ इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो शुरू में ये दो ग्रुप लेयर आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद देखो यहाँ पर दो रेक्टेंगल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और ये जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको फोटो और लिरिक्स ऐड करना है। तो फोटो लिरिक्स ऐड करना होगा ये बीट के हिसाब से, और लास्ट में जो बीट है ये बीट में सॉन्ग लिरिक्स लिखना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको खाली म्यूजिक सुना देगा। तो इसमें आप लोग अपना चैनल नाम दे देना। उसका देखो ये जो बीट है ये बीट में आ जाना। ये बीट में आने के बाद दोस्तों जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो उसके लिए देखो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और जिस फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना। तो देखो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर फ़ोटो में ऐड कर लेता हूँ। तो देखो आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाला फ़ोटो में देखो एक फ़ोटो को ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद देखो ऐसे करके फुल स्क्रीन कर लेना फ़ोटो को, और फुल स्क्रीन करने के बाद ये जो बिट है ये बिट तक ये फ़ोटो लेयर को ले आना। तो ये बिट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। उसको देखो ये जो बिट है ये बिट में फिर से आपको फ़ोटो ऐड करना होगा अलग फ़ोटो। तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और मीडिया ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो फोटो है मतलब और एक फ़ोटो को ऐड कर लेना, और ऐसा करके फुल स्क्रीन कर लेना। फुल स्क्रीन करने के बाद देखो ये जो बिट है ये बिट में आ जाना, और ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना। उसके बाद फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और एक फ़ोटो को ऐड कर लेना, ऐसा करके फुल स्क्रीन कर लेना। और अगला जो बिट है अगला बिट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना। फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और एक फ़ोटो को ऐड कर लेना, ऐसा करके फुल स्क्रीन कर लेना, और जो बिट है ये बिट तक ले आना। तो ऐसे करके आप लोग ये जो बिट है ये बिट में फ़ोटो को ऐड कर लेना, और फोटो ऐड करना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा। देखो यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में आपको इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए बैक हो जाना। तो यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना, और देखो यहाँ पर टोटल आपको दो फोटो देखने को मिल जाएगा। तो ये जो फर्स्ट फोटो है फर्स्ट फोटो को इधर से कॉपी लेयर कर लेना। कॉपी लेयर करने के बाद दोस्तों बैक हो जाना, और सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो फोटो है देखो ये फ़ोटो में ये इफेक्ट को देना है, और ये फ़ोटो को छोड़ देना है। उसके बाद फिर से और एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, मतलब देखो एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और एक फ़ोटो को छोड़ना है, एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और एक फ़ोटो को छोड़ना है, एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और ये फ़ोटो को छोड़ना है। ऐसा करके आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं ज़्यादा फ़ोटो ऐड नहीं किया हूँ, इसीलिए देखो मैं दो फ़ोटो सिलेक्ट किया हूँ। तो ऐसे करके आप लोग सभी बिट में फ़ोटो को ऐड कर लेना, और जैसे मैं सिलेक्ट किया हूँ ऐसे करके आप लोग सिलेक्ट कर लेना। और सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर जो लेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा। यहाँ पर पेस्ट स्टाइल के बगल में जो एयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा। कलर ऑप्शन को हटाना होगा, और ये वाला ऑप्शन को हटाना होगा, और टाइमर ऑप्शन को हटा देना। खाली ये तीनों ऑप्शन को रखना है, देख सकते हो ये तीनों ऑप्शन को रखना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के बाद देखो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में अलग इफेक्ट देना होगा। तो उसके लिए बैक हो जाना, यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना, और देखो दूसरा जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना, जो ऑप्शन यहाँ पर टच करके कॉपी लेयर कर लेना। उसके बाद फिर से बैक हो जाना, सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद देखो और फर्स्ट जो फोटो है वो ऐड हो चुका, मतलब इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो सेकंड फोटो में देखो इफेक्ट नहीं ऐड हुआ है, ये सेकंड फोटो लेयर को सिलेक्ट करना है, और ये जो फोटो है ये फोटो को छोड़ देना है। उसके बाद ये फोटो लेयर को सिलेक्ट करना है, ये जो बीट है ये बीट में जो फोटो ऐड करोगे उसको छोड़ देना है। उसके बाद ये जो बीट है इसमें आपको सिलेक्ट करना है, तो ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना, और ये जो ऑप्शन है लेयर वाला यहाँ पर टच करना। यहाँ पर पेस्ट स्टाइल के बगल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और देखो ये दो ऑप्शन को मतलब हटाना है,
और ये तीनों ऑप्शन को रखना है, मूव वाला, इफेक्ट वाला और ओपासिटी वाला। तीनों ऑप्शन को रखने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। एक इधर से देखो स्लाइड होके आएगा और एक इधर से स्लाइड होके, तो ऐसे कर लेना। ऐसे करने के बाद देखो अब क्या करना होगा, ये जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल को ऐसा करके सभी लेयर के ऊपर रख देना। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर फ्लास इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। और ये जो दूसरा जो रेक्टेंगल है इसको भी ये ऊपर लेके जाना होगा, देखो कुछ इस तरह। तो नीचे शैडो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आप लिरिक्स ऐड करेंगे, तो लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो आपको एक बार बैक होना होगा और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आना होगा। और देखो यहाँ पर जो देखो लिरिक्स है, ये दोनों लिरिक्स लेयर पे से करके सेलेक्ट करना है और इधर से कॉपी लेयर करना है। उसके बाद दोस्तों बैक होना है, यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है इसमें आना है। और देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आपको आना है, तो ये बीट में आ जाना है। ये बीट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो देखो लेयर ऑप्शन यहाँ पर टच करना है और दो लेयर को यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद देख सकते हो मैं पहले से ये दो लिरिक्स लेयर को ऐड करके रखा हूँ, देखो कुछ इस तरह। देखो तो ये दो लिरिक्स लेयर को आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करना होगा। तो अगला जो बीट है अगला बीट में आकर फिर से टू लेयर को पेस्ट कर देना। तो पेस्ट करने के बाद ये जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको बराबर करना है, देखो कुछ इस तरह। तो ऐसे कर लेना और ये दो लिरिक्स चेंज कर लेना, मतलब ऐसे करके आप लोग यहाँ पर जो बीट है ये बीट में लिरिक्स लेयर को ऐसे करके ऐड करना है, देखो ऐसे करके एकदम एंड तक ऐड कर लेना। देखो ऐसे करके आप लोग ऐड कर लेना, तो जैसे मैं देखा ऐसे करके आप लोग लिरिक्स को ऐड कर लेना। और लिरिक्स ऐड करना कंप्लीट हो जाने का देखो हमारा फर्स्ट जो लिरिक्स है वो लिरिक्स ऐड हो चुका है। तो थर्ड नंबर पर जो लिरिक्स है लिरिक्स को चेंज करना होगा। तो आप लोग सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना, मेरा माइक लगा हुआ है, मैं प्ले अगर कर दूँ तो सॉन्ग सुना नहीं देगा, देखो कुछ इस तरह। आप लोग सॉन्ग को ठीक से सुन लेना, उसको ये लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में आ जाना और ये लिरिक्स को हटाना है और फर्स्ट में जो इमोजी है लव वाला ये इमोजी को नहीं हटाना है। और इधर से सॉन्ग लिरिक्स को लिख लेना, नहीं तो मैं नोटपैड ऐप यूज करने वाला हूँ, उधर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग भी अगर चाहते हो लिरिक्स नोटपैड में पेस्ट करने के बाद कॉपी करके यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो लिरिक्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से कॉपी कर लेना और यहाँ पर लिरिक्स को ऐड कर लेना और इधर से ओके कर देना, तो लिरिक्स ऐड हो जाएगा। तो आप लोग सॉन्ग को प्ले करके लिरिक्स ऐड कर लेना और लिरिक्स ऐड करना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों आगे आ जाना। ये बीट में आना है, प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आना है और तीन इमोजी ऐड कर लेना अपने हिसाब से। तो मैं देखो आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाला तीन इमोजी मैं ऐड कर लेता हूँ, देखो। और यहाँ पर जो ऑप्शन है पर टच करना है और ये जो बॉक्स है ये वाला बॉक्स ऑप्शन को टच करना, मतलब कलर ऑप्शन को, मिडिल वाला ऑप्शन को टच करने के बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर लेना, दो बार टिक ऑप्शन को टिक करना है, मूव वाला ऑप्शन में आपको आना है और ऐसे करके देखो आपको मूव करके नीचे रखना है यहाँ पर कुछ इस तरह, देखो। और ऐसे करने के बाद एकदम एंड में आ जाना, एक बार बैक हो जाना, जो ऑप्शन है पर टच कर देना। तो दोस्तों फर्स्ट में आना है, प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आना है और यहाँ पर जो पिंज बॉर्डर है ये वाला पिंज बॉर्डर को आपको ऐड करना है, देखो ये वाला पिंज बॉर्डर को ऐड करना है। और लास्ट में आना है, ये जो ऑप्शन है पर टच करना है। तो ये जो पिंज बॉर्डर है मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों जैसे मैंने देखा ऐसे करके आप लोग ये स्टेटस को बांध लेना और स्टेटस बांधना कम्प्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर जो चार ऑप्शन है पर टच कर लेना और इधर से एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।